नर्सरी में इंडियन यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक कर करती हूँ। मैं आसाम से हूँ और मैं आसाम मेरा स्टी को प्रजर है और मैं उसके अंदर बंदरगांव खाकराबाड़ी में रहती हूँ। बचपन में ऐसे ही दोस्तों के साथ ग्राउंड में जाते थे और उधर से खेलना स्टार्ट किया है बॉयज लोग के साथ, ऐसे लड़का लोग के साथ। क्लास 8 में और साइकिल में सिलेक्शन देने गई। घर में हम लोग 6 मेंबर हैं। मेरे पापा फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, मम्मी हाउसवाइफ है और सिस्टर है, हम 4 हैं सिस्टर। सब सपोर्ट करती थी घर से, मम्मी पापा सब सपोर्ट करते, बस बोलती थी ग्राउंड जाओ, ऐसा नहीं कि मत जाओ ग्राउंड में, ऐसा क्या मिलेगा। वो लोग तो मेरे को फोर्स करती थी जाने के लिए ग्राउंड। और सुरन नर्सरी भी हमारे टाउन से ही है और हम लोग उसको भी देख के बहुत सीखे हैं और उसकी बहुत फैन है। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है क्योंकि साथ में भी मेरे को मौका मिला था, अभी भी और एक बार मौका मिला है जो मेरे लिए बहुत अच्छा है, जिसमें मैं मेहनत कर सकती हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो वो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चांस है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए क्योंकि सीनियर दीदी लोग के साथ खेल के फाइट करके खेलने से अच्छा लगता है, बहुत अपने आप में बहुत खुश होता है। एरोस में मेरे को पहली बार टीम में कैप्टन मिला है, वो मेरे लिए स्पेशल मोमेंट था और डर भी लग रहा था कैप्टन बन के कैसे खेलेंगे, तो उसको स्ट्रोंग करके खेल के अच्छा लगा। हाँ, टीम को सपोर्ट करना होता है और टीम को स्ट्रोंग बनाना होता है क्योंकि कैप्टन स्ट्रोंग बनेगा तो टीम भी स्ट्रोंग बनेगा। घर वाला तो अच्छा बोलते हैं कैप्टन बना है, बोलते हैं कैप्टन बना है, आप भी अच्छे से खेलो, कैप्टन का जिम्मेदारी निभाओ जो है। इंडियन एरोस टीम आईडब्ल्यू में अभी खेल रहा है, ये अच्छा है क्योंकि हम लोग 11 मैच खेल रहे हैं, वो भी सीनियर एक्सपीरियंस दीदी लोग जो प्लेयर हैं उन लोग के साथ, तो ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हम लोग आगे अगर मैच खेलेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं खेलने के लिए और अपने आप को स्ट्रोंग बना सकते हैं, और आई होप कि आगे भी ऐसा मौका मिलेगा उसके।